अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हफ्ते का दिन है और गालिबन ये जो है ये छठा दिन बनता है। तो सुबह मैं आया हूँ तो कलामत भाई ने जो है अंदर से गाड़ी की सफाई की हुई है, तो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। जिसने ये पहले एपिसोड देखा था उसको याद होगा कि यहाँ पे कितना गंद मौजूद था। ओवर द टाइम आपको शायद लगे कि सिर्फ पानी मारा है, मगर इसकी काफ़ी सफाई सुथराई हुई है। और इंजन जो है उसका मुझे शक है कि अभी तक गंदा होगा, इंजन को हाथ नहीं लगा होगा। ऑलराइट, तो ये इंजन है, ये अभी तक गंदा है, इसको भी करामत भाई खोल के सही से साफ़ करेंगे। दोपहर के सर 11-12 बज रहे हैं, सीटें यहाँ पे रखी हुई हैं, ये खुल के सही से सफाई सुथराई इनकी हो रही है, मतलब सूख रही हैं, सॉरी सफाई वगैरह इनकी हो चुकी है, ये सूख रही हैं। धूप जो है काफ़ी कड़क निकली हुई है। आप लोगों को वैसे ही बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ अब एक रिश्ता सा जुड़ गया है। सुभान मोटर्स, ऑटो व्हील्स और अल-अज़ीज़ मोटर्स, इन तीनों की छत एक ही है। तकरीबन 1985 की बात है या 1986 की बात है, ये एक ही ओनर था इनका, उसने ये एक ही छत डाली थी, बीच में दीवारी खड़ी की थी और एक एक शोरूम करके बेच दिया था। आज से 2 साल पहले सुभान मोटर्स वाले और मेरे वाले साहब का प्लान बना के ना दीवार गिराते हैं और 2 मंजिला खड़ी करते हैं, मगर ऑटो व्हील्स वाले तब नहीं माने थे, जो कि हैं ये शोरूम वाले। चूँकि ये नहीं माने थे तो हम लोग ये काम कर ही नहीं पाए। और सुभान मोटर्स उस वक्त बहुत ज़्यादा शौक़ से जो है रेनोवेशन करना चाहता था, तो उसने रेनोवेशन तकरीबन 1-1.5 साल पहले कर ली थी। ऑटो व्हील्स का अभी ख्याल आया तो ऑटो व्हील्स वाले जो हैं वो अभी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा शोरूम खाली है, यहाँ पे गंद है, काफ़ी हद तक जो है रेनोवेशन यहाँ पे हो चुकी है, पेंट चेंट हो रहा है। अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे इन्होंने हल्का सा इलेक्ट्रिसिटी का बोल्ट लगाया था, तो यहाँ पर ये पूरी दीवार जा रही है पेंट की और यहाँ पर बीच में जो है हल्का सा यहाँ पर तरार आ गई थी। तो कहने का मकसद कुछ यूँ है कि लिटरली एक ईंट की दीवार है बीच में। तो अगर 2 साल पहले सुभान मोटर और हम लोग अगर चाहते भी तो हम लोग 2 मंजिला नहीं लेके जा सकते थे। फिलहाल अभी ये गाड़ी साफ़ हो रही है, एक माइन्यूट डिटेल जो रह जाएगी इसके बाद वो हम इसको, वो ये है कि ये जो बम्पर है आप लोग अगर देख सकते हैं, यहाँ से ये हल्का सा टूटा हुआ है और यहाँ से भी टूटा हुआ है और यहाँ से भी थोड़े से इसकी मरम्मत हुई हुई है। इसको हम लेके जाएंगे एक जगह पे और इसके ऊपर हम टेप लगवाएंगे जब ये गाड़ी तैयार हो जाएगी, मगर वो बात है, बात की बातें हैं, अभी की बात नहीं है। जी हाँ जनाब, बिल्कुल सैटरडे के दिन का मैच है। आई हैव गॉट 2 टिकट्स विद मी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मैच जाके देखेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट और भी है, एक डहाड़ से उम्मीदा भी हमने उठाई हुई है। इट इज़ द बेसिक मॉडल, 2016 मॉडल है और 2019 का इसका नंबर लगा हुआ है और बिल्कुल बेसिक मॉडल है। साइड वाले शीशे भी रिट्रैक्टेबल नहीं हैं, मगर उसके बावजूद अच्छी गाड़ी है, गुड टू गो कार है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। करामत भाई जो है वो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल उन्होंने गाड़ी साफ़ की है, उसके बाद पिछला दरवाज़ा जब उन्होंने बंद किया उसके बाद वो खुल नहीं रहा, तो वो कह रहे हैं शहजाद जेंटर को फ़ोन करो और उसको बुलाओ और पूछो कि ये क्यों नहीं खुल रहा है, उससे हेल्प हमें लेनी चाहिए। तो अभी मैं शहजाद को फ़ोन कर रहा हूँ। मिलेगी कॉल, मिलेगी इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम शराल भाई, क्या हाल है? शराल भाई वो करामत भाई ना गाड़ी धो रहे थे, तो उस गाड़ी धो रहे थे तो उन्होंने पिछला दरवाज़ा खोल के बंद किया कल का, तो वो खुल नहीं रहा उसके बाद। नहीं दरवाज़ा नहीं टेढ़ा हो गया, बस उन्होंने गाड़ी धोई है कल, बंद किया, अब वो खुल नहीं रहा। लगी थी कल गाड़ी? नहीं गाड़ी नहीं लगी, कहीं भी नहीं लगी, सिर्फ दरवाज़ा खोला है और बंद किया है, कल रात का वो खुल नहीं रहा। पता नहीं पानी उसमें जम गया क्या सीन है, कुछ पता नहीं चल रहा।
जी सर वैगन आर का। यार करामत भाई सीधे हाथ वाला, हाँ सीधे हाथ वाला भाई, ड्राइवर साइड के पिछला। जी सर जी, पता नहीं, नहीं मुझे शक के पानी कुछ हो गया होगा या वो वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत काम किया है ना, पेंट चेंज किया है ना वहाँ पे, तो सर वो प्लीज़ आ जाए, उसने ना गाड़ी फिट करनी है आज इंशाल्लाह। कितने में आएंगे? लगा लें प्लीज़, मैं वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। ले जी, ये छोटे छोटे मसले मसाइल आ जाते हैं। कहने का मकसद कुछ यूँ है कि जब आप गाड़ी तैयार कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ों के लिए ना मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। शुरू में मैं बहुत मेंटली एग्जॉस्ट हो जाया करता था कि यार अब ये काम भी करवाना है, अब ये काम भी करवाना है, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, घबराना नहीं है, तो चीज़ें हल हो जाती हैं। अब मसला मसाइल कुछ छोटा सा ही होगा इंशाल्लाह, या हो सकता है भरा भी हो, आई एम नॉट श्योर। अगर कोई आसान होता तो करामत भाई खुद ही कर लेते। अब करामत भाई भी आज जोश में आए हुए हैं, मुझे लगता था इतवार तक फारिग होंगे वो, मगर वो कह रहे हैं कि मैंने आज ही गाड़ी फिट कर देनी है और इंशाल्लाह ओके की आवाज़ देनी है। अच्छा जी, एक छोटी सी डिटेल, ऑल दो वैगन आर की तैयारी के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर वैसे आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। जिस शख्स से हमने गाड़ी ख़रीदी वो आउट ऑफ सिटी से था, लाहौर से, उसका ताल्लुक़ नहीं था, कहीं बाहर से था। हमने जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, और मैं इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स किस तरह देखे चाहिए उस पर भी वीडियो जल्द बनाऊँगा इंशाल्लाह, मगर उसका जो बंदे का शनाख्ती कार्ड था वो एक्सपायर होने वाला था, तो उसके पास शनाख्ती कार्ड था भी नहीं, एक चीज़ एक्सपायर होने वाला था, जो फोटोकॉपी उसके पास लगी हुई थी, ठीक है, और उसके पास सिर्फ एक वो जो नादरा का स्लिप होता है कि उसका शनाख्ती कार्ड आने वाला है वो चीज़ थी, लाइसेंस वगैरह था। तो जब हमें ये पता चला कि उसका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है, तो हमने पहले तो जाना कि बंदा वही है कि नहीं है, हमने उसका लाइसेंस वगैरह देखा और ये वो, तो पता चला जी बंदा तो वही है। फिर हमने जस्ट फॉर द सेक कि उसका इंटरेस्ट भी रहे हमें शनाख्ती कार्ड देने का, और हम उसके पीछे पीछे ना हो डील होने के बाद, हमने उसका 10,000 रुपया नीचे रख लिया था, ठीक है। तो इस बात को एक हफ़्ते हो गए हैं, और एक दो दिन पहले मुझे उसका व्हाट्सएप आया कि उसका शनाख्ती कार्ड नया बन के आ गया है। फिर मैंने 10,000 रुपये, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ट्रांसफ़र किया, ये बैंक की स्टैम्प वगैरह लगी हुई है, रिमोट ये ले चला दो। पता नहीं वो दोबारा खुला, बंद भी नहीं हो रहा, ये हो रहे हैं सारे बंद, हाँ ये बंद भी नहीं हो रहा। खुले बंद हो गया, खुल गया,
सारी चीजें ना तो पट्टी रह जाएगी। हाँ फिटिंग इसकी बाद में अंदर से सारे फिटिंग करवा लो ना। अच्छा तो उसके बाद ये अपना जब तक ये ड्राई हो जाएगा काला इसका। अच्छा। पानी गया वो कुछ हो जाएगा। अच्छा कोई मसला नहीं है। अगर कोई अदरवाइज कोई मसला बनता है तो उसके हिसाब से फिर ताला खोलना पड़ेगा। अच्छा मैं कहता हूँ हो सकता है कुछ को नहीं खुल जाए कुछ। अच्छा तो करामत भाई से बोलो पल्ली साइड से फिटिंग कर लें। इधर से फिटिंग कर ले यही रह जाती है सीट वगैरह हर चीज़ लग जाएगी इसकी। चल ठीक है मैं कह देता हूँ सारा कुछ लग जाएगा सर। इस ये ऊपर नहीं लगेगा और नीचे वाली पट्टी नहीं लगेगी वो वाली। अच्छा दो चीज़ें नहीं लगेगी। ठीक है ठीक है चल शाम तक मुझे फिट ला ठीक। थैंक यू शराब भाई आपके आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। इन द मीन माइल मैं देख रहा हूँ करामत भाई ने जो है स्टिकर उतार ली है यहाँ से। यहाँ पे मलिक ब्रोस लिखा हुआ था और पंजाब कार एसी की हल्की हल्की निशानी अभी भी रह गई है मुझे नज़र आ रही है। शायद कैमरे में नज़र ना आए। नहीं कैमरे में नज़र नहीं आ रही है। हाँ यहाँ से हल्का हल्का शायद आपको नज़र आ रहा है। कंपाउंड पॉलिश मजीद होगी तो साफ़ हो जाएगी। अहमद भाई शहजाद आए थे शहजाद कह रहे हैं कि वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा अभी फ़िलहाल आप कल तक या शाम तक ना छेड़ें। हो सकता है कि वो अपना सूख जाए पानी खुद ब खुद सूख जाए तो आप जो सीट वगैरह है ना इस परली साइड से रख लें। ठीक है याद हो जाएगी इंशाल्लाह। चल ये पानी का ड्रेन जो है आप इसको बंद कर रहे हैं एलसी लगा के। नहीं ये समात है। समात काम है। आप नशा वगैरह तो नहीं करते ना समात का। अभी इसको लगा दिए दो मिनट बाद फिर इसको बांध दिया। ये सर जी ये दो मिनट हो गए। जी ठीक है अभी इसको बांध करने का। जी सही है। अब एक वो रह गया बस अभी ये अब उसकी कार्रवाई करनी है आपने। यस उससे भी लगाया हुआ आपने पहले से लगाया हुआ था वो पहले से लगा हुआ। अच्छा 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 जी अब ये बांध हो गया नीचे से पानी नहीं ऊपर आ रहा। ये अगला पार्ट शुरू करने से पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अब के बाद की जो वीडियो है जो अभी अभी आपके सामने आएगी वो यही होगी कि करामत भाई गाड़ी की फिटिंग कर रहे होंगे तो जो जो इंटरेस्टेड हैं वो देखते रहें क्योंकि इट्स अ स्लो प्रोसेस। पहले वो नीचे फॉर्म लगा रहे हैं फिर कारपेट बिछा रहे हैं फिर सीट्स लगा रहे हैं। ये तार जो है किस चीज़ के लिए होती है भाई? मैं सीट दे नहीं एयर बैग की लगाते हैं ना उसकी। अच्छा अच्छा हाँ 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 बिल्कुल 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 तो साउंड जो देती है तो ये तार जो है ना। अच्छा साउंड जो देती है ठीक है बिल्कुल सीट बेल्ट लगी हो तो ही एयर बैग खुलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब वो एयर बैग खुली हुई गाड़ी आती है तो उनकी सीट बेल्ट भी फारिग होती हैं। सही सही ये वो तो इसकी तार क्या है एक ही तार होती है एक ही ड्राइविंग साइड। अच्छा ठीक है।
जी तो अभी हम ब्लॉक क्लोज करने लगे हैं, सीट्स वगैरह सारी लग गई हैं। तो दिस इज हाउ द कार लुक्स राइट नाउ, इट्स ऑल नीट क्लीन और सीट्स वगैरह भी फिट हो गई हैं, कुछ फाइनल टचेस रह गए हैं इसके अंदर। ये दरवाज़ा अभी तक नहीं खोल रहा, रात हो गई है, मगरिब का वक्त हो चला है। जी हाँ, तो बस अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।